शुगर चाय 300 या फिर 400, शुगर चाय 20 साल पुराना हो या फिर 30 साल पुराना, ये एक पत्ता रात को इस तरह से लगा लो और इस शुगर रोग को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर दो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शुगर रोग का एक ऐसे इलाज के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, यदि आप इस नुस्खे को अपनाते हैं और इसका हर रोज प्रयोग करते हैं, तब आपकी ये बीमारी हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज हर घर में इस शुगर नामक बीमारी का मरीज पाया जाता है और दोस्तों इस बीमारी के कॉम्प्लिकेशन भी बहुत अधिक है। इस बीमारी के कारण किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी को हार्ट अटैक आने का डर है, किसी की किडनी खराब हो गई है, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, कोई पेट के रोगों का सामना कर रहा है, यानी इस बीमारी के कॉम्प्लिकेशन बहुत अधिक है। दोस्तों, इसको साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है और इसका एक ही इलाज है कि आप इसको हमेशा कंट्रोल में रखें। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो दिनचर्या और जो नुस्खा मैं आपको बताऊंगा, उससे आपका शुगर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, चाहे आज आपका शुगर 300 हो, 400 हो, कितने भी साल पुराना हो, 20 साल, 30 साल, यानी कुछ भी पुराना हो दोस्तों, लेकिन इस नुस्खे को अपनाने के बाद आप जब भी अपना टेस्ट कराएंगे, तब आपको अपना शुगर बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा। दोस्तों, चाहे आप खाली पेट टेस्ट कराएं, खाना खाने के बाद कराएं, रात को कराएं, सुबह दिन में कराएं, जिस टाइम मर्जी कराएं, आपको हमेशा अपना शुगर बिल्कुल सही मिलेगा। लेकिन आपने इस दिनचर्या का हर रोज पालन करना है और इस नुस्खे को अपनाना है। दोस्तों, इतना काम तो आपको करना ही करना पड़ेगा और इस एक बात का और ध्यान रखना है, जो मैं दिनचर्या आपको बताऊंगा वो आपने महीने में एक दिन नहीं, पूरे के पूरे महीने अपनानी है। यानी कि जब तक आप जिएंगे तब तक आपने ये दिनचर्या अपनानी है। आप ये बात सोच लो, यानी कि अगर मैं बात करूं, एक महीने में एक से दो दिन अगर आप छूट जाएं, इस दिनचर्या को भंग कर दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको मैक्सिमम दिन अपनाने ही अपनानी है। यदि आप इस शुगर की बीमारी से बचना चाहते हैं और इसका जड़ से इलाज करना चाहते हैं, तो चलिए पहले तो आपको बताता हूँ वो दिनचर्या कि वो दिनचर्या है क्या। दोस्तों, आपने सबसे पहले क्या करना है, रात को सोते समय एक चम्मच मेथी दाना और एक चम्मच कलौंजी लेकर रात को एक गिलास पानी में भिगोकर रख देनी है और सुबह बासी मुंह सबसे पहले आपने इस पानी को पी लेना है और इन कलौंजी और मेथी दाना के बीजों को भी चबा चबा कर खा लेना है, सबसे पहला काम। उसके बाद आपने 3 से 4 गिलास पानी पीना है। उसके बाद आपने आधे घंटे के बाद आप सैर करने के लिए जाएं। आपने हर रोज सैर जरूर करनी है, वो दोनों टाइम का नियम है। सुबह भी आपने सैर करनी है और शाम को भी सैर जरूर करनी है। और सैर करने के बाद आपको हल्का हल्का व्यायाम करना है। आपको व्यायाम में मंडूका आसन आपने जरूर करना है, इसको आपने शामिल ही शामिल करना है। इसके अलावा अनुलोम विलोम और कपाल भाति भी आपने करनी है। इसके साथ में मंडूका आसन आपने जरूर करना है। और इसके साथ में दोस्तों, आपने एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है आपके हाथ में और पैर में, दोनों हाथों में और दोनों पैर में, उसको भी दबाना है। वो कहाँ है, आपके जो अंगूठे का ये उभरा हुआ भाग है, उसके नीचे जो ये लाइन लगी है, इसके ऊपर आप जहां भी दबाएंगे, सभी जगह आप दबाकर देखें, जहां भी आपको दर्द हो वही आपका पॉइंट है। उससे आपकी पैनक्रियास इंसुलिन का स्त्राव करती है, यानी आपने वो दबाना ही दबाना है। जब भी आपको फ्री टाइम मिले, आपने दिन में 2 से 3 बार ये काम करना है। ये आपने दोनों हाथों में और आपके दोनों पैरों में भी ऐसे ही पॉइंट है, मैं आपको जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं, वो आपने पॉइंट आपने दबाना है। आप स्लाइन पर दबाकर देखें, जहां आपको दर्द हो आपका वही पॉइंट है। अब ये काम हो गया, आपने ये काम हर रोज करना है, आपने सादा भोजन करना है और दोस्तों आपने गेहूं की रोटी नहीं खानी है। दोस्तों, आपने क्या करना है, कम से कम 7 अनाज लेकर उनको पिसवाना है और उस आटे की रोटी आपने दोनों टाइम खानी है। उस अनाज में बनाना कैसे है, उसमें आपने गेहूं लेना है, चना लेना है, बाजरा लेना है, मक्का लेना है, जौ लेनी है, ज्वार लेनी है और सोयाबीन लेनी है। यानी 7 अनाज लेकर आपने पिसवाने हैं और इस आटे की रोटी आपने हर रोज खानी है, सुबह दोपहर शाम को। जब भी आप खाना खाएं तब आपने इस आटे की रोटी का ही सेवन करना है और इसके साथ में आपने ये नुस्खा बनाना है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब इससे होगा क्या, दोस्तों इससे होगा क्या, आपका शुगर आज चाहे 200 हो या फिर 400, वो बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा।
और दोस्तों आपके पूरे शरीर की कमजोरी, आपके शरीर में कहीं भी कमजोरी है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। यानी आपके शरीर की हर कमजोरी का भी इलाज है नुस्खा। इसके साथ में दोस्तों जो इस शुगर बीमारी के कॉम्प्लिकेशन है आप उन सब से बच जाएंगे, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। इसके साथ में आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, आपकी आंखों से भी चश्मे को उतारने का काम करेगा, आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाकर आपकी आंखों से चश्मे को उतार देगा। दोस्तों इस नुस्खे को करने से जो मेथी दाना और कलौंजी आप सुबह खाएंगे उससे आपके शरीर की इम्यून पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति भी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और दोस्तों यह तो आप जानते ही हैं कि जब आपके शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति अधिक होगी तब आपको बहुत तरह की बीमारियां नहीं लगेंगी। अब जानते हैं उस एक पत्ते के बारे में, उस एक पत्ते के कमाल के बारे में। दोस्तों ये है आग का पत्ता। दोस्तों आग को मधार, आंकड़ा और आग के नाम से भी जाना जाता है और ये दोस्तों हर जगह आपको कहीं भी खरपतवार में खड़ा हुआ मिल जाता है, सड़क के किनारे कहीं भी, यानी फ्री का इलाज है। दोस्तों आपने क्या करना है, इस एक पत्ते को तोड़ना है और रात को जब आप सोएं उससे पहले आपने अपने पैर पर इसको उल्टा करके बांध देना है, जैसे कि ये हमने बांध लिया, उल्टा करके आपने बांधना है और उसके बाद किसी डोर की सहायता से उसको बांधकर ऊपर से आपने सॉक्स डाल लेनी है और रात को दोनों पांव पर ऐसे बांधकर सो जाना है और सुबह आपने इसको निकाल देना है। हर रोज आपने रात को सोते समय ये काम करना है और दोस्तों आप देखेंगे कि आपका शुगर रोग बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और दोस्तों आपने करना क्या है, रात को सोते समय आपने इस पत्ते को बांध कर सोना है और सुबह इसको निकाल देना है, बस आपका ये काम है और आपका शुगर रोग बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन आपने कंटिन्यू इस काम को नहीं करना है, जैसे आपने 2 से 3 दिन इसको बांधा, फिर 2 से 3 दिन आराम किया, फिर 2 से 3 दिन बांधा, इस तरीके से आप इसको कंटिन्यू रखें और आप देखेंगे दोस्तों कि आपका शुगर रोग बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको दोबारा से इस शुगर की बीमारी के लिए दवाइयों का सेवन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना चमत्कारी है ये नुस्खा। तो दोस्तों देर किस बात की है, आप भी आज ही अपने घर पर इस नुस्खे को बनाएं और इस नुस्खे का प्रयोग करें और अपने शुगर रोग से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।